दोस्तों नमस्कार, मुकनायक इंडिया टीवी से मैं भास्कर सुमन। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखकर इस देश की जनता पर बहुत बड़े एहसान के बहुत बड़े उपकार किए। उनके संविधान से आज देश सुखी संपन्न और बहुमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, इस देश की जनता के लिए, बल्कि इस देश में जो दलित शोषित समाज है, जो बहुजन समाज है, जो सैकड़ों वर्षों से जिसका दलन हो रहा था, शोषण हो रहा था, ऐसे समाज को उन्होंने उभार कर उनके विकास के लिए बहुत बड़ा एक तेज आंदोलन चलाया, जिसके कारण इस देश का दलित समाज, पददलित समाज, शोषित समाज आज विकास की ओर बढ़ रहा है, अपना विकास साध रहा है। शिक्षा के मार्ग उन्होंने खुले कर दिए, शिक्षा के रास्ते उन्होंने खुले कर दिए। आज ये समाज शिक्षा की ओर बढ़ रहा है, शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ दलित, पददलित, बहुजन समाज के लिए नहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया, बल्कि इस देश की महिलाओं के लिए, विशेषकर हिंदू महिलाओं के लिए। हिंदू धर्म ने हिंदू महिलाओं को जो अधिकार चाहिए, जो अधिकार मिलने चाहिए थे, उन अधिकारों से उनको वंचित रखा था, और उसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया। 27 जुलाई 1942 को उन्होंने नागपुर में मोहन पार्क में एक बहुत बड़ा अधिवेशन बुलाया था, जिसमें 75,000 लोग आए थे, महिलाओं की उन्नति के लिए, महिलाओं के बहुमुखी विकास के लिए, उनका विकास साधने के लिए, और पुरुषों के समान उनको अधिकार मिलने चाहिए, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में उनकी भागीदारी हो, अधिकार जो है संपत्ति के अधिकार में उनकी भागीदारी हो, इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाया। और उसके लिए महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए, इसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया था, यानी कि हिंदू संहिता। और 1946 से वो बार बार विधिमंडल में सामने रखते थे, लेकिन उसका पुरजोर विरोध किया गया, प्रस्तापितों ने उसका पुरजोर विरोध किया कि ये सही था, हिंदू संहिता हिंदू धर्म के, संस्कृति के खिलाफ है, हिंदू संस्कृति का पतन करने के लिए ये लिखी गई है, ये कानून बनाया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके फेवर में थे, हिंदू संहिता के, हिंदू कोड बिल के, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके फेवर में थे कि ये बन जाए, एक कानून बन जाए, ताकि हिंदू महिलाओं को उनके अधिकार मिले, पुरुषों के समान अधिकार उनको मिलने चाहिए, ऐसी उनकी सोच थी। उन्होंने धमकी भी दी थी कि भाई अगर से ये संहिता पास, ये हिंदू कोड बिल अगर से पास नहीं होता तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, त्याग पत्र दे दूंगा। लेकिन इतना पुरजोर विरोध बढ़ गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहाँ तक कह दिया था कि बोले ये जो संहिता है हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए, विध्वंस करने के लिए बनाई गई। यही नहीं, बल्कि एक स्त्री होने के बावजूद भी सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगल कहते थे, भारत की नाइटिंगल, वे सरोजिनी नायडू भी, उन्होंने भी इसके खिलाफ एक मोर्चा निकाला था कि ये नहीं होना चाहिए। आखिरकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उदास हो गए, निराश हो गए, और उन्होंने 1951 को अपने मंत्री पद का त्याग कर दिया, अपने मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया। इतनी बड़ी उदारता थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में, हिंदू स्त्रियों के लिए इतनी बड़ी उदारता उन्होंने दिखाई थी।
हिंदू महिलाओं के लिए उतनी बड़ी उदारता उन्होंने दिखाई थी कि उन्हें शिक्षा के अधिकार भी मिलने चाहिए, शिक्षा के अवसर उन्हें प्राप्त होने चाहिए, संपत्ति में समान अधिकार मिलना चाहिए। कितना बड़ा, कितनी बड़ी उदारता थी डॉक्टर बाबा साहब। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।